मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? मिसेस सिमी बजाज। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? वेस्ट पटेल नगर। कितने साल का है आपका बच्चा? 14 इयर्स। क्या देख रहे थे मैम अपने बच्चे के लिए? एक्चुअली उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में था, तो उसी से रिलेटेड कोई ऐसा देखना था जिससे उसकी हॉबी भी डेवलप हो और कुछ एक्स्ट्रा कर सीखने को मिले उसे। कौन कौन सी स्पोर्ट्स अकेडमी आपने कंसिडर की अपने बच्चे के लिए? एक्चुअली हमारे नियरेस्ट सबसे ज़्यादा रामजस स्पोर्ट्स अकेडमी ही थी, तो बच्चे उसी में काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो हम तो नज़दीक होते हुए फिर उसी को प्रेफर किया। रामजस स्पोर्ट्स अकेडमी के अलावा कोई और अकेडमी जो आपने कंसिडर की अपने बच्चे के लिए? और तो कोई खास नहीं, एक्चुअली स्कूल में ही कोई कोचेस हैं वहाँ पर, उन्होंने भी वही रेफर किया था कि वो ज्वाइन कराइए आप, बेस्ट है। रामजस स्पोर्ट्स अकेडमी को चुनने की कोई खास वजह? यहाँ से हमारे इंटरनेशनल प्लेयर निकले हुए हैं जो हमारी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरली बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रामजस स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ? कुछ ऐसी दो बातें इस अकेडमी के साथ जो आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? बच्चे को काफ़ी मतलब एक जो टाइम दिया जाता है उसको सिखाने के लिए, और क्या अच्छा है, बस टोटली कुल मिलाकर। रामजस स्पोर्ट्स एकेडमी में कुछ ऐसा जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आपके हिसाब से मैम? ग्राउंड में थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। 1 to 5 के स्केल में जहाँ 1 का मतलब है कि आप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, 5 का मतलब है आप पूरे तरीके से रिकमेंड करेंगे, आप रामजस स्पोर्ट्स एकेडमी को दूसरे पेरेंट्स को रिकमेंड करना कितना पसंद करेंगे? 5 में से 4 मार्क्स। थैंक यू सो मच मैम।